जिगरा मूवी आ रहा है बॉलीवुड की तरफ से, बताया जा रहा है कि गुमराह मूवी का ये रीमेक है, बात करेंगे उससे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए करते हैं दिल की बात एकदम साफ। गुमराह मूवी आया था 1993, जहां पे हम देखते हैं भाई अपनी बहन को बचा के लाता है विदेशी जेल से, वो भी एक चोर की मदद से। मूवी में भाई बहन के प्यार को तो अच्छी तरीके से दिखाया गया है, पर प्रमोट किया गया है ड्रग्स को। तो बॉलीवुड इस बार क्या प्रमोट करने के लिए जा रहा है उस मूवी का रीमेक करके, क्या लगता है आपको? मुझे तो ट्रेलर और टीजर देखने के बाद लग रहा है कि फिर से दोबारा से ये वही काम करने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कुछ सरप्राइज भी देने वाला है धर्मा प्रोडक्शन इस मूवी में। वो सरप्राइज होगा शायद LGBTQ, जो वेस्ट के भस्मासुर वोक रूपी भस्मासुर का एक अंग है, जो वेस्ट को लगभग निगल चुका है। उस गंदगी को बॉलीवुड हमारे यहाँ प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है आजकल, तो हो सकता है इस मूवी के जरिए उसको भी प्रमोट करे बॉलीवुड। मुझे तो पूरा अंदेशा है इस बात की, और ड्रग्स का बू तो आ ही रहा है। गुमराह मूवी में जहां चोर को बहुत अच्छे हृदय वाला दिखाया था, तो वहीं पे इस मूवी में एक लड़की को दिखा रहा है जो अपने समाज के नाम से छाती कूट रही है, जो बेचारी अपने रिश्तेदारों से शोषण का शिकार हुई है, लेकिन अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती है, सौ कॉल आजाद ख्याल वाली है, दारू भी पीती है। जब तक दारू पीते ना दिखा दिया जाए किसी महिला को, तब तक वो आजाद ख्यालों वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। कोई भी महिला तब तक अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं दिख सकती है, पितृसत्तात्मक समाज को उखाड़ते हुए नहीं दिख सकती है तब तक कोई भी महिला, जब तक कि वो दारू ना पी ले बॉलीवुड के हिसाब से। वही हमें इस ट्रेलर और टीजर को देखने के बाद समझ में आता है। हाँ, मूवी वेल मेड जरूर लग रहा है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन का अक्सर होता है, क्योंकि मूवी बनाते बनाते मूवी बनाना वो अच्छी तरीके से सीख गया है, तभी तो वो गंदगी भी बहुत अच्छी तरीके से फैलाना सीख गया है, वो भी सटल वे में वो फैलाते रहता है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत की पब्लिक उस बात को अच्छी तरीके से अब समझने लग गया है, तभी तो बॉलीवुड आजकल रसातल में जाते चला जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन अपने PR में तो कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला है, अब ट्रेलर टीजर भी काटता है बहुत ही बारीकी के साथ, उसमें कोई भी स्पॉइलर आपको नहीं देगा, किसी प्रकार का जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे ही थिएटर में जाओगे, सर पकड़ के वहाँ बैठोगे, जो अक्सर होता है इसकी मूवी को देखने के बाद, उसे थिएटर में जाके सर पकड़ना है या फिर पहले रिव्यू देख लेना, फिर जाके जाना इस मूवी को देखने के। वैसे तो जब मूवी आएगा तो देखेंगे, उस पर बात करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नमस्ते।